नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन। आप देख रहे हैं नैतिक टीवी को। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि आज बहुजन समाज के महान समाज सुधारक एवं बहुजन समाज में शिक्षा की अलख जगाने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जयंती है। आपको बता दें कि इस पर तमाम दिग्गज नेता ट्विटर पर ट्वीट कर रहे हैं एवं आपको बता दें कि इनकी जयंती मनाई जा रही है। इसी बीच आपको बता दें कि इनकी जयंती के शुभ अवसर पर चंद्रशेखर आज़ाद ने एक बड़ी बात बोली है। जी हां मित्रों, आपको बता दें कि इन्होंने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए चंद्रशेखर आज़ाद ने लिखा कि महान विचारक, लेखक, महिला एवं बहुजन उत्थान के लिए आजीवन संघर्षरत, सत्य शोधक, समाज के संस्थापक क्रांति सूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। इसी के साथ आपको बता दें कि उन्होंने अपनी पार्टी में रंगत एक पोस्टर भी जारी किया, जिसमें आपको बता दें कि इन्हीं सब बातों को लिखा गया। वहीं आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट किया है और आपको बता दें कि बधाई दी है उनकी जयंती के शुभ अवसर पर। आपको बता दें कि चाहे वो मुख्यमंत्री हों, प्रधानमंत्री हों, तमाम आपको बता दें कि बड़े बड़े नेता से लेकर छोटे छोटे कार्यकर्ताओं तक आपको बता दें खूब हर्षोल्लास से जयंती मनाई जा रही है। इसी बीच आपको बता दें कि जानकारी दी थी चंद्रशेखर आज़ाद ने कुछ दिन पहले कि 11 अप्रैल को जो है महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती जिला कार्यालय पर मनाई जाएगी। तो आपको बता दें कि सभी भीम आर्मी के लोग जरूर जिला कार्यालय पर जो है महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती मनाएं। आपकी क्या राय है कॉमेंट करके जरूर बताएँ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।